प्रदेश के 18 जिलों में परीक्षा होगी। मास्क सैनिटाइजर के साथ साथ एक घंटे पहले पहुंचना होगा। अभ्यर्थियों को लॉकडाउन में छूट दी गई है, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर आपको बताएं कि आज ये परीक्षा होनी है और इसको लेकर तमाम तरह की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करना होगा। परीक्षा केंद्र पर एक घंटे पहले पहुंचना होगा। मास्क इस वक्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में चुनौतियां भी कई सारी, लेकिन इसके मद्देनज़र तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। 5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट जिन्होंने आवेदन किया, प्रदेश के 18 जिलों में ये परीक्षा दरअसल होनी है। मास्क सैनिटाइजर के साथ साथ एक घंटे पहले लोगों को पहुँचना होगा। अभ्यर्थियों को लॉकडाउन में छूट दी गई है, ये आपको बड़ी जानकारी दें क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन भी है, आज रविवार का दिन है। लेकिन जो कैंडिडेट्स, जो अभ्यर्थी जिनको आज परीक्षा देनी है, तो उनको छूट यहां पर जरूर दी गई है, यानी कि वो आसानी से आ जा सकेंगे। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी जरा ये भी आपको बता देते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बताएं कि बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर में अलर्ट, इसके अलावा बांदा, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, झांसी, जालौन में भी अलर्ट है। अलग अलग जगहों पर 3 घंटे में बारिश हो सकती है, बिजली चमकने के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना जो है वो मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं मौसम विभाग की ओर से। ये कुछ ज़िले जो कि मैं आपको लगातार बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको वो ज़िले भी आपको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, इन तमाम जगहों पर तेज़ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांदा, हमीरपुर, महोबा में भी ये अलर्ट, अलग अलग जगहों पर 3 घंटे में बारिश हो सकती है, मौसम विभाग की ओर से आसार व्यक्त किए गए हैं। और इसको लेकर जाहिर तौर पर आम लोगों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि मौसम सुहावना हो चुका है, लेकिन क्योंकि बारिश अपने साथ कई बीमारियों को भी लेकर आती है, जलभराव की समस्या भी उत्पन्न होती है, इसको लेकर भी परेशानियां आम लोगों की बढ़ सकती है। लेकिन अन्नदाता के लिए विशेष तौर पर अगर बात कर ली जाए तो ये मौसम जो है वो कई फसलों के अनुकूल, जिसके आसार व्यक्त किए गए हैं मौसम विभाग की ओर से। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज पूरा देश अटल जी को नमन कर रहा है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर दिल्ली में सदैव अटल स्मृति पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए देश के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, आज अटल जी को देश याद करता हुआ सदैव अटल स्मृति लोगों के जहन में, क्योंकि अटल जी तमाम चीज़ों के ऊपर, और यही एक वजह है कि आज चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, हर कोई अटल जी को याद कर रहा है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिन्होंने नमन किया, और आप इन तस्वीरों में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी नमन किया, याद किया वाजपेयी जी को। नाम रट लागी प्रभु जी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में वहाँ पर तमाम चीज़ों का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कई दिग्गज उन्हें याद करते हुए, हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा कि प्यारे अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि।
भारत हमेशा उनकी उत्कृष्ट सेवा और हमारे राष्ट्र के प्रगति के प्रयासों को याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने एक संदेश में यह भी कहा कि देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊंचा किया। पार्टी नेता हो, सांसद हो, मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री, अटल जी ने हर भूमिका में आदर्श स्थापित किया। ये कहते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर, ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया है। आगे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अटल जी के जीवन की विशेषता के रूप में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। उनके भाषण की सदैव चर्चा होती है, लेकिन जितनी ताकत उनके भाषण में थी उससे कई गुणा अधिक ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी जब दो चार वाक्य बोलने के बाद मौन हो जाते थे तो लाखों की भीड़ के आखिरी व्यक्ति को भी उस मौन से संदेश मिल जाता था। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हुए, लेकिन ये जो असल चीज़ है जिसे इस वक्त हर एक इंसान जो है वो महसूस कर रहा है और सदैव इसको महसूस करेगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी हमारी यादों में है और उन्होंने एक ऐसा मापदंड तय कर दिया है राजनीति में जिसको छू पाना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर आज के नेताओं के लिए। तमाम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से ऊपर उठकर उनकी छवि, और यही वजह है कि ना केवल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग बल्कि अलग अलग पार्टियों के नेता अटल जी को याद करते हैं। ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, तमाम लोगों के यहाँ पर मौजूदगी, तमाम दिग्गजों के यहाँ पर मौजूदगी। हालांकि कोरोना काल और इसके वजह से आप देख पा रहे कि तमाम जो गणमान्य यहाँ पर पहुँचे मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी आप देख पा रहे हैं, और उनके ठीक पीछे आपको उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी नज़र आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वहीं तीसरी तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आप देख पा रहे हैं। 16 अगस्त 2018 को अटल जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन हमारी यादों में वो अटल हैं और आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर समूचा देश उन्हें नमन करता हुआ, समूचा देश उन्हें याद करता हुआ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सदैव अटल पहुंचकर तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के एक गांव में मंदबुद्धि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पड़ोस के रहने वाले ही 45 साल के शख्स ने मंदबुद्धि नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर अपनी हवस का शिकार बनाया। दबंग ने बंद कमरे में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। युवती के चिल्लाने पर परिजन और आसपास के लोग वहां पर एकत्रित हो गए। परिजनों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से आरोपी को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बच्ची को डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। तो मासूम से हैवानियत का मामला अलीगढ़ से सामने आया। मंदबुद्धि नाबालिग युवती से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो आरोपी उसी मोहल्ले का रहने वाला है जिसने ये कुकर्म किया। युवती के शोर मचाने पर वहां पर आसपास के लोग, परिवार के लोग एकत्रित हो गए और उसके बाद उस शख्स को पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है। वहीं भदोही के ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश से सड़क के रास्ते भदोही लाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी के पीछे करीब 20 गाड़ियों का काफिला भी है जो कि विजय मिश्रा के समर्थक बताए जा रहे हैं। पुलिस विजय मिश्रा को लेकर झांसी के पुलिस वाहिनी तक पहुंच गई है। सुबह तक पुलिस विजय मिश्रा को लेकर भदोही आपको बताएं पहुँच रहेगी। आपको यहाँ पर यह बताएं कि 8 अगस्त से फरार चल रहा था विजय मिश्रा। उसकी पत्नी और बेटे पर एक रिश्तेदार ने ही मुकदमा दर्ज कराया था और उसी के बाद विजय मिश्रा फरारी काट रहा था। पूर्वांचल के चर्चित विधायक विजय मिश्रा पर करीब 73 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल उठे। लेकिन अब क्योंकि उसे लाया जा रहा है, विधायक विजय मिश्रा को MP से भदोही पुलिस लेकर आ रही है,
पुलिस की गाड़ी के पीछे विजय मिश्रा के समर्थक जो हैं वो भी चल रहे हैं। शिकंजे में बाहुबली कई ऐसे मामले जिसमें संलिप्तता, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। हालांकि इस बार गिरफ्तारी जरूर हुई है, विजय मिश्रा की गिरफ्तारी एमपी से यूपी उसे लाया जा रहा है। तमाम टीम वहां पर पहुंची और इसके बाद ये काफिला आगे बढ़ता हुआ 73 मुकदमे विजय मिश्रा पर दर्ज। और इस बीच एक बड़ी जानकारी कानपुर से मिल रही है, जरा ये आपको बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे के संजीत अपहरण और हत्याकांड का ये पूरा मामला, एसपी साउथ ने दो टीम्स का गठन कर दिया है। बैग, मोबाइल और शव बरामद करने के लिए टीमों का गठन किया गया। टीम में 4 एसआई, 4 मुख्य आरक्षी और 10 आरक्षी शामिल हैं। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और गोताखोर टीम में शामिल है। तो ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि लगातार तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है और बाकायदा एक टीम का गठन कर दिया गया है। टीम के ऊपर जिम्मेदारी है कि बरामद की हुई शव की संजीत अपहरण और हत्याकांड का ये पूरा मामला, एसपी साउथ ने दो टीम्स का गठन किया। बैग, मोबाइल और शव बरामद करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अभी तक शव की बरामदगी नहीं हुई है। टीम में 4 एसआई, 4 मुख्य आरक्षी और 10 आरक्षी शामिल। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और गोताखोर टीम में उन्हें शामिल किया गया है। हालांकि आपको यहां पर यह बताएं कि आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक संजीत का शव नहीं मिला और इसको लेकर अब प्रक्रिया और भी ज़्यादा तेज होती है क्योंकि दो टीम्स बनाई गई हैं। बैग, मोबाइल और शव बरामद करने के लिए टीमें गठित हो चुकी हैं। टीम में 4 एसआई, 4 मुख्य आरक्षी और 10 आरक्षी को शामिल किया गया है। तमाम तरह की रणनीति बनाई गई है। हालांकि इन सब के बीच परिजनों की ओर से कई तरह के इस पूरे मामले में सवाल भी उठाए गए, खासतौर पर पुलिस की कार्यशैली को लेकर, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर पुलिस गंभीरता बरतती तो आज उनका बेटा उनके साथ रहता। लेकिन अब पुलिस की ओर से टीमें गठित कर दी गई हैं बैग, मोबाइल और शव की बरामदगी के लिए। चलिए बात कर लेते हैं मेरठ की, जहां पर स्पोर्ट्स फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। प्रतापपुर के उद्योगपुरम में स्पोर्ट्स फैक्ट्री है। दमकल ने मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से आग का गुब्बार यहां पर उठता हुआ और इससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को वहां पर बुलाया गया। टीम वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रतापपुर के उद्योगपुरम में ये स्पोर्ट्स फैक्ट्री है जिसमें आग लगने की खबर मिली। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। हालांकि गनीमत यह कि जान माल के नुकसान की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई। मेरठ का ये मामला, साथ ही साथ तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लाखों का माल जलकर इस आग लगी में खाक हो गया। प्रतापपुर के उद्योगपुरम में स्पोर्ट्स फैक्ट्री स्थित है और यहीं पर ये आग लगी। हालांकि बाद में दमकल विभाग की गाड़ी वहां पर पहुंची, कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्पोर्ट्स फैक्ट्री जिसमें आग लगी की घटना सामने आई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार देखिए 2 मिनट में इंतजार।